अनंतनाग में कोकरनाग शीतकालीन महोत्सव का उद्घाटन किया गया और जिला विकास आयुक्त ने ये कार्यक्रम का उद्घाटन किया। पर्यटन विभाग, कोकरनाग विकास प्राधिकरण, शहरी स्थानीय निकाय और जिला प्रशासन ने आयोजन किया। पर्यटकों को जो पर्यटन स्थल वहां पर है वो किस तरीके से देखने लायक उसको बनाया गया है, इस तरीके से वो पर्यटकों को आकर्षित करेगा, इन सभी को लेकर तैयारियां। पर्यटकों के आगमन से लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। पर्यटन निदेशक ने विभागों का और स्टॉल का भी निरीक्षण किया। कैसे विभाग वहां पर बनाए गए हैं, स्टॉल किस तरीके की लगाई गई हैं, इसका भी निरीक्षण किया गया। तो जिला विकास आयुक्त ने खुद पहुंचकर उद्घाटन भी किया। निदेशक ने विभागों के स्टॉल्स का निरीक्षण भी किया। गायन वादन का प्रोग्राम यहां पर रखा गया। शीतकालीन महोत्सव का उद्घाटन हो गया है, शुरुआत हो गई है और इसी का निरीक्षण आज किया गया। स्टॉल वहां पर लगी गई हैं, अलग अलग विभाग भी बने हैं जो कि जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। चले कलान के जश्न के साथ साथ वादी कश्मीर में टूरिज्म को फरोग देने के लिए ऐसी जो इकदाम हैं बहुत कारगर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ टूरिज्म के बढ़ने से इस चीज़ से क्या है कि इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे एक मैसेज चली जाएगी कि ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जहाँ पे हमें जाना चाहिए। उसके बाद से उसके इफेक्ट से यहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा, टूरिस्ट ज़्यादा आएंगे, उसका एक इफेक्ट बढ़ेगा यहाँ के जो लोकल एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि जो यहाँ के रेडी वाले वगैरह या टूरिज्म जो भी वाबस्ता लोग हैं या हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह से, उनको काफ़ी फ़रोग मिलेगा। उसमें हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल डेस्टिनेशन वो पहलगाम है, लेकिन हम सब जानते हैं कि अनंतनाग में पहलगाम की खूबसूरत जो जगह है उसके साथ साथ और भी कई सारी जगह हैं। जैसे आज हम कोकरनाग में हैं और कल वैरीनाग में थे और बाकी भी जो आप भी डेस्टिनेशंस हैं। तो एक अभी गवर्नमेंट का यही फोकस है कि हमारे जो वाइब्रेंट विंटर्स हैं रहें, उसी चीज़ को लेके हमने ये आज कोकरनाग विंटर फेस्टिवल यहाँ पे मनाया है। इसमें कोशिश ये है कि पहलगाम के साथ साथ हमारे जो बाकी डेस्टिनेशंस हैं वहाँ पे भी हमारे टूरिस्ट जो हैं आएँ, यहाँ पे भी फुटफॉल बढ़े और लोकल जो इकॉनमी है हमारी उसको भी बढ़ावा मिले, हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, होटलर्स या होम स्टेज हैं, जो भी यहाँ पर आप भी डेस्टिनेशन हैं लाइक डक्सुम, संधन टाप, मरगन टाप, छतबल, जो भी विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोकरनाग डालमा थाटी आप भी डेस्टिनेशन, हम वो विंटर टूरिज्म के नक्शे पर लाना चाहते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया कोकरनाग डालमा थाटी ने इन कोलेबरेशन विद डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म। क्या आप क्यों नहीं आ सकते हैं, तो क्या क्या इंतजाम है, क्योंकि ठहरने के सयाहों को इंतजाम होने का नहीं, यहाँ पर हमें होटल मतलब 20 कमरे का बनाया था, लेकिन ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन वो हमें मतलब इनमें हमें और लोग सिक्योरिटी रीजन की वजह से शिफ्ट करने पड़े।